जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब भी कभी तुम जीएसटी पोर्टल को खोलो तो सबसे पहले व्यू नोटिस एंड ऑर्डर को देखा करो। इसी तरीके से जब भी कभी आप पोर्टल को खोलते हो तो पोर्टल को खोलने के बाद रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन टेबल को जरूर देखो। जो व्यक्ति टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन टेबल को नहीं देख रहा है, ठीक है, या देखकर नहीं समझ रहा है, और अगर समझ के गलतियों को ठीक नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने जीएसटी के डेटा में गड़बड़ कर रहा है। सर क्या पता चलता है टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन से? तो कितने लोग इसे रेगुलर देखते हैं और कितने लोगों ने आज तक नहीं देखा? आई डू ठीक है ना, कितने लोगों ने आज तक नहीं देखा वो बताएं, फिर मैं उस हिसाब से एवरी अरे मंथली आप, मैं फाइल देता हूँ। अरे केतन जी, आप तो पुरुष ही नहीं हो, महापुरुष हो, ठीक है ना। सब देखते हैं, सब देखते हैं, तो फिर बताने का क्या फायदा है जब तुम देखते ही हो? ठीक है, विमलेश जी भी देखते हैं, ठीक है ना, रेगुलर देखते हैं, ठीक है। मैं तो सोच रहा था कोई नहीं देख रहा होगा या कम लोग देख रहे होंगे, तो बताओ ये वाला कि इसमें क्या देखना है, कैसे देखना है। सर सर रेगुलर प्लीज तो नहीं इसको देख बता रहे, दो सर, थोड़ा सा ये समझा दो थोड़ा सा। नहीं मैं दिखता तो हूँ उस वाली को, पर ना सर प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता उस वाली इसको टेबल को। हाँ हाँ सर ये कह रहे, सर हाँ बता दो, क्या सर पता इसमें कुछ हम, हाँ कोई, हाँ बता दो, बता रहे हैं, बता रहे हैं। ये कह रहे हैं सर आप ही दिखा दो, क्या पता कुछ हमारे को हीरोइन दिख जाए इसमें, ऐश्वर्या राय, ठीक है ना, कुछ दिख जाए हमारे को, ठीक है ना। चल तो जब भी कभी तुम ये वाली टेबल देखोगे, तो अब जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म हो गया, ठीक है ना, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 को जरा देखना शुरू करो, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर 22-23 को देखना जब हम शुरू करेंगे, इसके अंदर ना पहली चीज समझ लो, 6 तरह की टेबल है कंपैरिजन, तो 6 तरह की टेबल का अपना अलग अलग यूज है। तो क्या क्या यूज है जरा इसे समझ लो, 6 की 6 टेबल का अलग अलग यूज है। पहले उन्हें समझो कि हर टेबल कुछ कहती है, ठीक है ना, और हर टेबल का एक अलग इंडिकेशन है, जरा उसे समझना। पहली टेबल क्या कहती है, डिफरेंस इन लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड, ठीक है ना। अभी अभी बताऊंगा विमलेश जी, बताऊंगा, सबर करो सबर करो, ठीक है ठीक है। पहली टेबल का टाइटल है डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड। तो जैसे ही इसने ये वर्ड बोला, तो आप यहां पर बताओ कि ये टेबल किस चीज को कंपेयर कर रही है, फटाफट से बताओ कि ये टेबल किस चीज को कंपेयर कर रही है, किन दो चीजों को कंपेयर कर रही है, ठीक है ना। R1 को कर रही है किसके साथ, R1 को कर रही है किसके साथ, हाँ जी 3B के साथ, बिल्कुल ठीक। ये कहता है डिफरेंस इन लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड, ये कहता है कि तुम्हारे जो लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड करी, डिक्लेयर्ड मतलब GSTR1, पेड मतलब GSTR3B, अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं और आपको नोटिस आ जाएगा, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस कतई ना करें। तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो है लाइबिलिटी डिक्लेयर एंड पेड में कोई डिफरेंस नहीं है, दिसंबर तक लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड और पेड में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले आएगा 1 फिर आएगा 3B, क्योंकि पहले 1 फाइल करते हैं फिर 3B फाइल करते हैं। तो इस तरीके से पहले डिक्लेयर करी लाइबिलिटी और डिक्लेयर करने के बाद पेड करी, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर डिफरेंस आना भी चाहिए तो तुम्हारा 3B में ज्यादा आए 1 में कम आए, तो तुम्हें कभी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो पहला है कि टैक्स डिक्लेयर्ड एंड पेड, तो इस टेबल को हम इसलिए देखते हैं, 99% सिचुएशन में ये कंपैरिजन टेबल ठीक होती है, 1% सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें पोर्टल पागल हो जाता है कभी कभी किसी मंथ में, तो वहां पर वो क्लियर मैच नहीं होता। तो भाई अगर आपका लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड, ठीक है ना, ठीक है, आपका लाइबिलिटी डिक्लेयर और पेड मैच नहीं हो रहा, ये चिंता का विषय है। और फिर ये जो लाइबिलिटी आपने पेड करी है, ये लाइबिलिटी पेड करी हुई लाइबिलिटी को आपको जब ये दोनों मैच हो जाए तो अपने बुक्स के डेटा से मैच करना होता है। आप मंथ वाइज 3B डाउनलोड करके, क्वार्टर वाइज 3B, या क्या कहते हैं GSTR1 करके भी चेक कर सकते हो, लेकिन आप यहां से भी चेक कर सकते हो कि भाई आपकी बैलेंस शीट में जो सेल है
वो इससे मैच हो रही है या नहीं जो पीएनएल में सेल है। सर यहाँ तो सेल ही नहीं आ रही, यहाँ तो टैक्स अमाउंट आ रहा है। तो भाई क्या हो गया, आप अपना सॉफ्टवेयर खोलो और सॉफ्टवेयर में ये चेक कर लो कि वहां पर टैक्स कितना आ रहा है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लेट सपोज मैंने यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको अपना एक डेटा दिखाता हूँ। अब देखो भाई यहाँ पर आप देखो कि मेरी लाइबिलिटी कितनी आ रही है, मेरी लाइबिलिटी आ रही है 7,08,244 रुपए। कितनी लाइबिलिटी आ रही है, 7,08,244। अब मुझे अपनी बुक्स में देखना है कि भाई बुक्स में मेरी उतनी लाइबिलिटी आ रही है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी बुक्स खोलूंगा, मैंने ये बीजी खोल लिया लेट्स सपोज, और अपनी बुक्स में जाऊंगा, कहां पर जाऊंगा, डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट्स, ठीक है ना, जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी 3वी, और 1 अप्रैल से 31 मार्च 22 की 3वी चेक कर लूंगा। और अगर यहां पर भी मेरी लाइबिलिटी उसके सेम आ रही है या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ रही है तो मैं समझ जाऊंगा कि यार डेटा ठीक है। और अगर मेरी लाइबिलिटी में डिफरेंस ज्यादा है तो पहली चीज मुझे रिकंसिलेशन की आवश्यकता है। तो आप कंपैरिजन सीट से भी अपनी लाइबिलिटी को मैच कर सकते हो, अपने बुक्स के डेटा को मैच करते हो। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, 3वी और 1 मैच होनी चाहिए, जो कि हमारे केस में है। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, जब तुम 3वी और 1 को मैच कर लो कि वो मैच होनी चाहिए बिजी टैली जो हो उसके डेटा से। तो अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, जब मैंने पूरे साल की ये डाली, तो पूरे साल की जब मैं सेल डाल रहा हूं तो मेरी लाइबिलिटी कितनी आ रही है भाई, जरा कैलकुलेट करके बताओ, 4,98,903, 4,98,903 प्लस में 104,238, फिर प्लस 104,238, तो मेरी आ रही है 7,07,380। बिजी में कितनी आ रही है, 7,07,000, ठीक है, 380। और पोर्टल पे कितनी आ रही थी, पोर्टल पे कितनी आ रही थी, 7,08,200। तो कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 1,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। बोलो समझ में आई, मेरी लाइबिलिटी में यहां पर 7,08,000 आ रही है और यहां पर आ रही है 7,07,000। बोलो जी, ठीक है, 1,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मेरी जो लाइबिलिटी है जो मेरी बुक्स के डेटा में है या जो मैंने सेल डाली है बुक्स के डेटा में वो ऑलमोस्ट ठीक है। एग्री कर रहे हो मेरी बातों से या नहीं, बोलो एग्री कर रहे हो या नहीं। अब 1,000 रुपए के लिए तो मैं बिठाऊंगा नहीं किसी को कि भाई तू मैच कर अकाउंटेंट मेरे, क्योंकि अगर 1,000 रुपए में बिठाया उसने 2 दिहाड़ी लगा दी मैच करने में, ठीक है ना, तो उसके इतनी हो गई, ठीक है ना, समझ आ गई कहानी। तो यहां पर आपको पहली टेबल देखकर इसे बुक्स से ऐसे मैच करना है जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाए। और अगर इसमें ही डिफरेंस आ रहा होता, अगर इसमें ही डिफरेंस आ रहा होता कितने का, 50,000 का 1,00,000 का 2,00,000 का, देन फिर हम आगे चेक करते कि किस मंथ में डिफरेंस है। तो बताओ पहली चीज क्लियर हुई आपको या नहीं, पहली टेबल का यूज क्लियर हुआ या नहीं, और अगर हुआ है क्लियर तो कितने लोग इस टेबल को ऐसे यूज करते थे अब से पहले, इस टेबल को ऐसे यूज कितने लोग करते थे अब से पहले, बताओ फटाफट। हाँ जी बोलो फटाफट, कितने लोग यूज करते थे, झूठ मत बोलना, ठीक है, झूठ बोलोगे 2 महापुरुष तो यूज करते ही होंगे, ठीक है ना। अरे मैंने तो बता ही दिया रवि जी, मैंने तो तुम्हें महापुरुषों में ले रखा है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, तो 2-3 महापुरुष करते थे, ठीक है ना, बाकी लोग नहीं करते थे, तो जो नहीं करते थे वो अब यूज करने लग जाना, ठीक है ना। तो ये टेबल को इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब आते हैं अगली टेबल, ऐसे ही समझाऊं आप बाकी की टेबल भी, हाँ बाकी की टेबल करानी है ऐसे ही या खुद कर लोगे अब एक टेबल से? यस सर, यस सर, मतलब करानी है नहीं करिए, करे करवा दो, पैसे दिए पूरे, करानी है, करानी है सर, करवा दो सर प्लीज। हाँ चलो, तो ठीक है इसे करवा देते, ठीक है चलो। अब आ जाओ दूसरी टेबल,
दूसरी टेबल क्या कहती है, दूसरी टेबल कुछ कहती है, ठीक है ना, दूसरी टेबल कहती है टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी। मैंने कहा भाई तुम क्या कहना चाह रहे हो, ये कह रहा है कि हम ये जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि तुम टैक्स कितना देते हो और आईटीसी कितना लेते हो, बस हम ये जानना चाहते हैं, हम कुछ मैच नहीं करना चाहते, बस ये देखना चाहते हैं कि तुम टैक्स कितना पे करते हो गवर्नमेंट को और आईटीसी कितना लेते हो। मैंने कहा ये कैसे पता लगेगा, कह रहे हम दो टेबल देख लेंगे तुम्हारी, कि तुमने टैक्स पे करा 7,08,000, तुमने टैक्स पे करा 7,08,000 और तुमने जो आईटीसी लिया वो लिया 4,00,000, इसका मतलब तुम अच्छे इंसान हो, इसका मतलब मोटा मोटी नजरों में तुम अच्छे इंसान हो कि तुम टैक्स लेते हो कुछ 4,00,000 रुपए और गवर्नमेंट को टैक्स देते हो 7,00,000 रुपए, मतलब 3,00,000 रुपए तुम अपनी जेब से देते हो हर साल गवर्नमेंट को, तो तुमसे अच्छा इंसान हमें कहां मिलेगा, हम तुम्हें बुलाएंगे और राष्ट्रपति से सम्मानित करवाएंगे, ठीक है ना। ये कह रहे हैं सर आप में 1,39,000 का डिफरेंस किस चीज का है, अरे गुरुजी ये डिफरेंस नहीं है, अभी 3B फाइल नहीं करी ना भाई, 3B कल फाइल कर देंगे तो डिफरेंस खत्म हो जाएगा, तुम्हें भी टेबल देखनी नहीं आ रही है, दिसंबर तक देखो ना, दिसंबर तक कोई डिफरेंस नहीं, क्लियर हो गया आनंद कुमार मौर्य जी, हाँ नथिंग डिफरेंस, ठीक है ना, ठीक है। अभी संडे को अब पैसे दोगे ना तुम क्लास के, आज पेंडिंग फीस के लिए फोन करा होगा, कल पैसे आएंगे तो तब टैक्स जमा करेंगे इसका। तो अब यहाँ पर दूसरा कंपैरिजन किस चीज का है, दूसरा कंपैरिजन देख के तुम मोटा मोटा क्लाइंट की हैसियत निकाल लेते हो कि तुम्हें आईटीसी मिलता कितना है और तुम टैक्स कितना पे करते हो, ये दो का डिफरेंस है, और इस टेबल में किसी और चीज का डिफरेंस नहीं है। अगर तुम इस टेबल में किसी और चीज का डिफरेंस देख रहे हो तो वो एक्स्ट्रा में देख रहे हो, मैं इस टेबल से सिर्फ यही चीज देखना चाहता हूं कि मेरे को आईटीसी मिला कितने का और मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया कितने का, क्योंकि ये ऊपर की टेबल भी यही कहती है टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी, क्लियर हुआ। तो यहां पर देखने के बाद जीएसटी ऑफिसर पहले से अंदाजा लगा लेता है कि भाई ये व्यक्ति हमारे को टैक्स कितना दे रहा है या ये खाली टाइम पास कर, ठीक है। कई जगह आप देखोगे जिन लोगों को नोटिस इशू होता है कि भाई तुम 100% अपना टैक्स पे कर रहे हो क्रेडिट लेजर से ही, तो वो इसी वजह से होता है। तो आपको अपने क्लाइंटों का ये चेक कराना है कि 3B में कितना टैक्स ले लिया और गवर्नमेंट को दिया कितना, क्लियर हो गई कहानी या नहीं। तो यहाँ पर मोटा मोटी आप समझ लो कि जो लोग आप मुझे टैक्स देते हो, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट को जाता है, समझ में आ रही है बात या नहीं, ठीक है। तो हम जितना भी टैक्स लेते हैं वो गवर्नमेंट को दे देते हैं, चलो क्लियर हो गया। सेकंड टेबल क्लियर है, बोलो। ये दोनों टेबल ऊपर की क्लियर है, यस सर ये क्लियर है, आ जाओ आगे। सर यदि 2B में ज्यादा आईटीसी और 3B में कम आईटीसी लिया हुआ है तो क्या करें, अरे 2B में ज्यादा है 3B में कम लिया है, गवर्नमेंट तुम्हारे चरण धो धो के पिएगी, तुम्हें राष्ट्रपति से सम्मानित कराएगी कि तुम्हारे सप्लायर ने ज्यादा टैक्स पे किया तुमने कम ले लिया, तो इसमें हमें क्या दिक्कत है, तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तुम मजे की सिचुएशन में हो, ठीक है। चलो सर एक चीज पूछती थी मुझे सर। जी जी सर, ये जो बताया अभी 2B में ज्यादा है और 3B में कम है, हाँ सर, 2B कोई ऐसा भी तो रिकॉर्ड हो सकता है जो हमने 2B में अपनी बुक्स में लिया ही ना हो और वो अवेलेबल है, अवेलेबल हाँ। था अवेलेबल था जब हम हाँ। उसका रिकंसिलेशन करेंगे या एनुअल रिटर्न डालेंगे तो उस रिकॉर्ड को तो हम ले ही नहीं पाएंगे ना। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कम ले रहे हो ना, 2B में हो सकता है आपका मोटर व्हीकल का आईटीसी है, आपका क्या कहते हैं खाने का आईटीसी है, आपके पर्सनल नेचर का आईटीसी है, 17-5 है, तो 2B में आएगा। नहीं, हमने एक ऑथेंटिक आईटीसी था हमारे किसी सप्लायर का, हमने उसका बिल डालना भूल गए। हाँ तो नहीं लिया, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत, नहीं लिया, लेकिन लेकिन जब हम उसका टोटल आईटीसी जो नजर आ रहा है, ये जब कभी इस तरह की चीज देखी जाती है कि कोई हमसे बाद में मान लो कोई केस में उसने जीएसटी वाले ने बुलाया, उसने बोला भी वो टोटल सिर्फ 2B में कितना आईटीसी नजर आ रहा है वही देखते हैं, या इस चीज को अलग 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 भी करते हैं भी कितना इनएलिजिबल था, कितना आईटीसी अवेलेबल था लेकिन तुमने लिया नहीं।
हाँ वो अलग अलग भी करते हैं, बाइफर्गेशन भी मांग लेते हैं, वो ऑडिट के केस में बहुत बाइफर्गेशन मांगी गई है। अच्छा जी ठीक है, हाँ हाँ चले जी। हाँ जी क्लियर हो गया, ये सेकंड वाली टेबल क्लियर हो गई। हाँ जी अब तुम अगर हमारा देखोगे तो हमारा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, दिसंबर तक भी हमारा सिर्फ 7,000 का डिफरेंस आ रहा है, और 7,000 का डिफरेंस भी क्या है, टू बी में ज्यादा था मैंने कम लिया, टू बी में ज्यादा था मैंने कम लिया, तो टू बी में ज्यादा है मैं कम ले रहा हूँ, तुम्हारा क्या जा रहा है, मैं लूंगा कम, समझ में आई कहानी यानी। तो आप ये कैलकुलेशन करो कि इस वाली टेबल से, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना ये अगली टेबलों में भी दिखाऊंगा, इस वाली टेबल का मेन पर्पज क्या है कि बिजनेस के अंदर आईटीसी आता कितना है और टैक्स पे कितना करते हैं, तो जितना इसके अंदर गैप होगा वो तुम्हारा अच्छा रहेगा, गैप इन द सेंस कि पे ज्यादा कर रहे हो और आईटीसी कम ले रहे हो, तो गवर्नमेंट की नजर में तुम दूध देने वाली गाय हो, ठीक है ना, तुम दूध देने वाली गाय हो तो तुम्हारे को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है अभी मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी ये फिनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसे नाना करते करते 3-4 साल हो गए होंगे, ठीक है ना, जिसका जीएसटी नंबर इसका आया हुआ है, ठीक है, जीएसटी की रिटर्न जा रही है, आज तक 1 रुपए का नोटिस नहीं आया भगवान की दुआ से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई नोटिस ऑर्डर कुछ नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि दूध देने वाली गाय है, टैक्स दिए जा रहे। चलो आगे की कहानी, ठीक है ना सर, टू बी में बैंक का इंश्योरेंस का या आईटीसी 17-5 का क्लेम ही नहीं किया तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती है क्या? अरे नहीं भाई तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार 500 रुपए दे रहे थे, तुमने नहीं लिए, रिश्तेदार का क्या नुकसान, मतलब बढ़िया बात है, ठीक है ना, तुम अपने ससुराल गए, तुम्हारे को ससुराल वाले दे रहे थे पैसे, तुमने नहीं लिए, मतलब तो ये तो आईटीसी है, तुम्हें मिलना चाहिए था, तुमने नहीं लिया, मतलब भाई इसमें गवर्नमेंट का क्या नुकसान, गवर्नमेंट तो खुश हो रही है कि चल ठीक है पैसे बच गए, ठीक है ना, समझ आई मेरी बात यानी। मेरे यहाँ पर कोई आता है मैं उससे कहता हूँ चाय पियोगे, वो कहता है नहीं नहीं चाय नहीं पी रहा, मैं कहा पी लो ना यार एक एक चाय पीते, कहा नहीं नहीं चाय नहीं पीऊंगा यार, चाय नहीं पीऊंगा मैं, बस चाय कॉफी नहीं, बंद है। अब मैं उसके बाद भी उसे चाय पिला दूं, मैं अपना नुकसान क्यों करूं, मैं नहीं करता, ठीक है, मतलब एक बार दो बार मैं उसे चाय के लिए जरूर पूछता हूं, ठीक है ना, लेकिन 2-3 के बाद नहीं पूछता, ठीक है ना, तो कभी मेरे पास आओ और मैं चाय के लिए पूछूं तो मना मत करना, मैं दूसरी बार में तो फिर मना अपनी मंगा लेता हूं खुद, ठीक है, मगर चलो भाई इसकी रहने तो मेरे को ला दो, ठीक है ना, चलो ठीक है। हाँ एनुअल रिटर्न की बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे, चलो अब आती है तीसरी टेबल। ये जो टेबल है यहां पर ये क्या कहती है, ये कहती है टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट एंड रिवर्स चार्ज, कहती है टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट और रिवर्स चार्ज, मतलब ये कह रही है जो तुम्हारी डोमेस्टिक सेल है हम वहां की टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी डोमेस्टिक सेल मैच करनी है सिर्फ सेल वाली पार्ट, तो वहां पर उसे इस टेबल को मैच करना है कि उसकी 3B में सेल कितनी थी और 1 में सेल कितनी थी अदर देन क्या एक्सपोर्ट और रिवर्स चार्ज। तो अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जिसमें आपकी एक्सपोर्ट सेल भी होती है या रिवर्स चार्ज के पे भी आपको आईटीसी देना पड़ता है, लेकिन आप फिगर मैच करना चाहते हो किसकी, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई की, किसकी, सिर्फ अपनी आउटवर्ड सप्लाई, वो भी एक्सपोर्ट को छोड़ दो और रिवर्स चार्ज को छोड़ दो, तो आप इस टेबल से उसे मैच कर लेंगे, क्योंकि यहां पर 3B में भी वही टेबल उठाते हैं 3.1A, सिर्फ कौन सी दिखाई, पूरी लायबिलिटी नहीं दिखाई, 3.1A मतलब एक्सपोर्ट को हटा दिया, ठीक है ना, SCZ की सप्लाई को हटा दिया, जीरो रेटेड को हटा दिया, ये कह रहा है 3.1A की सेल को मैच कर लो GSTR 1 से और इसे मैच कर लो बुक्स से। क्लियर हो गई ये वाली टेबल? हाँ सर क्लियर है। अगला है, अगर तुम्हारे को, अब जैसे मान लो तुमने P&L चेक करा और P&L में चेक कराया यार एडवोकेट के खर्चे डले हुए हैं और GTA के खर्चे डले हुए हैं, तो तुम सारी रिटर्नों में मत घुसो। अगर तुमने P&L में चेक करा कि GTA के खर्चे हैं और एडवोकेट के खर्चे, इस टेबल को चेक कर लो कि क्या टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज आ रही है या नहीं आ रही, और अगर ये टेबल आपकी खाली आ रही है कि यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज है ही नहीं,
तो जब टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज है ही नहीं, तो भाई आपको वार्निंग सिग्नल आ जाना चाहिए कि भाई टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज क्यों नहीं है। जब जीटीए का खर्चा है, जब एडवोकेट का खर्चा है तो होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो तुम 3.1D में जो आप इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज डालते हो, आपने नहीं डाली है, और डाली है तो किस किस महीने में डाली है, और अगर नहीं डाली तो क्यों नहीं डाली। तो ये टेबल हम तब मैच करते हैं जब किसी के पीएनएल में, ठीक है ना, कोई कार्टेज का खर्चा होता है, जीटीए का खर्चा होता है, तो हम देखते हैं कि ये इस टेबल में भी आना चाहिए, और अगर इस टेबल में कोई खर्चा नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। क्लियर है ये वाली बात या नहीं? यस सर, ये वाली बात भी क्लियर होगी। अब आता है टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट और एससीजेड। अगर हमारा कोई क्लाइंट है जो एक्सपोर्टर है, या ऐसा कोई क्लाइंट है जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों करता है, तो एक्सपोर्ट की सेल को मैच करने के लिए हम इस टेबल को उठाते कि भाई एक्सपोर्ट की सेल अगर किसी की है तो भाई टेबल नंबर 3 में आनी चाहिए, अगर वो नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो इस वाली टेबल को हम तब मैच करते हैं जब हमारे को कोई एक्सपोर्ट की सेल या एससीजेड की सेल मैच करनी हो, मतलब कि जीरो रेटेड सेल को मैच करना हो। तो यहां पर टेबल 3.1B को कंपेयर किया जाता है हमारे एक्सपोर्ट की GSTR 1 की टेबल से, और फिर हम उसे मैच करते हैं अपनी बुक्स से, ठीक है। इसके बाद ये हमारी सेल सारी मैच हो गई, इसके बाद हम मैच करते हैं ITC। तो जो ITC मैच किया जाता है, ठीक है, जो आप ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर ऊपर करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं है ऊपर करने की कोई जरूरत, ठीक है ना सर, आपको ऊपर करने की कोई जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपका यहाँ पे टेबल पूरी आ गई कि ITC तुमने 3B में कितना क्लेम किया, तुम्हारे 2B में कितना आ रहा है, आप जरा हमें बता दो। तो 3B में कितना क्लेम किया और 2B में कितना आ रहा है, तो आप हमें बता दो, हम आपको दूध का दूध पानी का पानी करके दिखा देंगे, ठीक है ना। और अगर आपने ITC ज्यादा क्लेम करा है तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे केस में हमने ITC कमी क्लेम कराया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाली टेबल को सिर्फ और सिर्फ ITC मैच करने के लिए देखते हैं। ये वाली टेबल आपको ऊपर भी दिख रही थी एक जगह, लेकिन वहां से मैच मत करना, इसे यहीं से मैच करना, ठीक है। अगला क्या है, अगर आप इंपोर्टर हो और कोई गुड्स इंपोर्ट करें, क्या करें, कोई गुड्स इंपोर्ट करें, तो आपको इस वाली टेबल को मैच करना है, ठीक है ना, कि आपने इंपोर्ट अगर आपका है तो आपने कितना इंपोर्ट करा और कितना आपके पोर्टल पे आ रहा है। इसके अलावा लास्ट रिवर्स चार्ज लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड इनपुट टैक्स क्लेम देयर हो, मतलब क्या बोलता है कि जो आपने टेबल 3 में RCM पे करा और जो टेबल 4 में RCM का ITC लिया, अगर उन दोनों को चे मैच करना है तो ये लास्ट वाली टेबल हम मैच करते हैं, अदरवाइज हमारे को इस टेबल का यूज नहीं है। तो अगर आपकी RCM की लायबिलिटी भी है और आप ITC क्लेम भी करते हो तो आपको ये वाली टेबल मैच करनी है अपने बुक्स ऑफ डेटा से। तो अगर आप ये 6 की 6 टेबल को अच्छे से यूज करने लग जाओगे तो आपकी आधी मुश्किलें आसान हो जाएगी। मैं जनरली कुछ भी डेटा को मैच करना होता है, मैं यहीं से मैच करता हूँ ये सारी की सारी टेबल्स को। ये क्लियर हुआ यहां तक? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। बोलो जी, ठीक है ना सर। 2B में ITC है पर 3B में ऑटो पॉपुलेटेड नहीं हो रहा है तो क्या करें? तो क्या करें, कंप्लेंट करो, ग्रीवेंस डालो, ठीक है ना, कुछ डोनेशन वोनेशन करो, ठीक है, तब तुम पे कृपया होगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जो पोर्टल की समस्या है, तो पोर्टल पे ऐसे 11,000 रुपए नौछावर करके कहीं डोनेट कर देना, ठीक है, तो तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये ITC क्लेम करे नहीं करे, भाई देखो अगर क्लाइंट ये कह रहा है कि भाई करो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो वो अपनी जेब से कहां से पे करेगा, वो कहेगा भाई बिल 2B में आ रहे हैं तो मैं तो क्लेम करूंगा ना, तो करो लेकिन ग्रीवेंस रेज कर दो, कल को कोई दिक्कत आएगी तो बता देना। चलो, तो पहली चीज तो हमने टेबल वाइज देखा, ठीक है ना, नौछावर कहाँ पे करने, अरे कहीं भी कर दो यार, ठीक है ना, कहीं भी कर दो, अक्षमा यादव जी से पूछ लो, उन्होंने भी नौछावर वो करे थे, डोनेट करे थे, कई लोग डोनेट करते हैं, ठीक है ना, है ना, नहीं तो घूमने चले जाओ, ठीक है ना,
जो हमारा टूर है ना खंडाला और लुनावला कौन आ रहा है, जो महाराष्ट्र और गुजरात वाले वहां पर अगर नहीं आए ना तो देख लेना, ठीक है। महाराष्ट्र गुजरात वालों को बता दे रहा हूँ, हम दो लोग आ रहे हैं। अब ये देखो ये जो है रमेश गुप्ता जी साथ में असीम बिहारी जी को बिठा के एक ही साथ क्लास ले रहे हैं, साथ में ये देखो ये भी आ गए दीपक जी। ये अब मैं लास्ट बैच पढ़ा रहा हूँ मैं ऑनलाइन, ये देख रहे हो। अब मुझे नहीं पता इन्होंने एक आदमी ने फीस दी है, दो ने दी है, तीन ने दी है, देख रहे ये तीनों है ऐसा पिक्चर होल बना के, ठीक है। ये तीनों लोग देख रहे हैं, ठीक है। ओ भैया अपनी वीडियो ऑफ कर लो विश्वजीत मंडल जी, ठीक है ना। वीडियो तभी ऑन कर करो जब तुम्हारे कपड़े तुम्हारा माहौल ऐसा हो कि जो आपत्तिजनक ना हो, मतलब कि प्रोफेशनल वे हो, ठीक है ना। कोई बर्तन मांजते हुए वीडियो ऑन कर रहा है क्या जरूरत है, झाड़ू लगाते हुए कर रहा है, पोछा लगाते हुए है ना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हाँ तो ये देखो अब तुम मेरे से कहते थे ना, कई लोगों ने मुझसे 6 साल तक पूछा ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाते हो सर, ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाते हो। अब ये तीन लोग देख रहे हैं, फीस पता नहीं एक की दी है या दो की है, चेक करना पड़ेगा मुझे। एक की तो कंफर्म है, एक की तो आई है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मजे इसके ले रहे हैं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, इसलिए ये वीडियो ऑफ करके रखते हैं, जो ये जितने भी वीडियो ऑफ करते हैं ना कुछ गोलमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चल तो अब ये हमारा डिस्काउंट दे दो हम भी आ जाएंगे। हवे ललित जैन जी कह रहे हैं डिस्काउंट दे दो। अरे दीपक जी वहां पे इतना अच्छा रिसोर्ट बुक करा है, इतनी अच्छी ट्रेवलर बुक है, इतना खर्चा लग जाएगा, मुझे तो ये डर लगा रहा था लॉस ना हो जाए, तुम मेरे से डिस्काउंट मांग रहे हो, ठीक है ना। अरे मेरे भी पैसे नहीं निकल पाते, मैं इनसे कहता हूँ कि जब मैं आ रहा हूँ 2 दिन के लिए तो 1 दिन के 10,000 रुपए तो मुझे दो यार आने के, ये मेरे भी नहीं देते, ठीक है ना। तुम डिस्काउंट मांग रहे हो, ठीक है ना। जान मांगो जान देंगे, डिस्काउंट मत मांगो, ठीक है ना। चलो है ना, उस दिन जब अयोध्या आए रवि जी उन्हें ताश खेलने सिखाए मैंने कि ताश खेलने से दिमाग बढ़ता है, हर बाजी हार गए, एक बाजी नहीं जीते मेरे से, ठीक है ना। हाँ बाद में ये फोटो डाल लें कि देखो मैं कपिल जैन सर के साथ ताश खेल रहा था, जीत गया मैं, ठीक है ना। चलो अब आगे की बात करते हैं कि पोर्टल पर और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे को मैच करनी चाहिए क्लोजिंग ऑफ बुक्स करते समय। तो इसके अलावा 3 चीजें और हैं, जो 2 चीजें मेन है जो आपको मैच करनी चाहिए। 2 चीजें और कौन सी है सर, 2 चीजें हैं, एक तो कैश लेजर मैच करना है और एक क्रेडिट लेजर मैच करना है। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि सर ये जो कैश लेजर और क्रेडिट लेजर मैच करना है ये किस दिन का मैच करना है, किस डेट का मैच करना है। तो मैं तुम्हें बिल्कुल लॉजिकली बताऊंगा कि आपको कैश लेजर और क्रेडिट लेजर कौन सी डेट का मैच करना है और कैसे मैच करना है, वो दोनों चीजें बताऊंगा। चलो आ जाओ भैया पोर्टल पे। अब भैया जो ये कैश लेजर और क्रेडिट लेजर मैच करना है, जरा इसे समझ लो। जो कैश लेजर और क्रेडिट लेजर मैच करना है वो जरा समझ लो भाई, ठीक है। जब भी कैश लेजर और क्रेडिट लेजर को मैच करने की बात आएगी तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम बात कर रहे हैं कि हमारे को कैश लेजर मैच करना है, तो पहले कैश लेजर को समझ लो। काफी लोगों को तो समझ आता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आता पहले वो समझ लो भाई। कैश लेजर और क्रेडिट लेजर जब आप अपनी 3B फाइल कर देते हो मार्च की, उससे पहले भी कर सकते हो उसके बाद भी कर सकते हो। अब ये जो कैश लेजर आया, मैंने कैश लेजर खोला, कैश लेजर एक तरीके से क्या होता है, तुम्हारी असेट्स है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने कैश लेजर खोला तो यहाँ पर बैलेंस आ रहा है 20,414 रुपए 23 अप्रैल 2023 का, क्योंकि भाई 23 अप्रैल का लेजर क्यों आ रहा है, क्योंकि आज 23 तारीख है इसलिए उसका लेजर आ रहा है। तो जब मैं कैश लेजर को मैच करूंगा तो कभी भी इस डेट पर मैच कर मत करना, क्योंकि तुमने बैलेंस शीट कब बनाई, बैलेंस शीट बनाई 31 मार्च को। तो जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च को तो कैश लेजर भी आपका 31 मार्च का ही होना चाहिए। तो सर कैसे मैच करेंगे, तो आप जाना, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जो ये बहराइच वाले थे ना दीपक अग्रवाल जी एडवाइजरी मेंबर, और असीम बिहारी जी और रमेश जी, इन्होंने पता क्या कर रखा है,
मैंने एक दिन डेटा चेक कराया, एक ने ले रखा है जीएसटी का कोर्स, एक ने ले रखा है इनकम टैक्स का कोर्स, एक ने ले रखा है वेबिनार की मेंबरशिप, ठीक है, और तीनों लोग एक एक चीज लेके तीनों चीजें देख रहे, ठीक है ना, घर पे लगा रखा बढ़िया सा टीवी उसपे, ठीक है कि चलो तीनों लोग यहीं आ जाएंगे वही देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे ना नुकसान करे जा रहे हैं मेरा, कोई बात नहीं मैं सारे वसूल कर लूंगा। तो 1 जनवरी 2023 को हमने यहाँ पे डाला और यहाँ पर डाली डेट 23 अप्रैल। तो अब यहाँ पर ये जो 24 मार्च तक की एंट्री है, जरा इसे ध्यान से समझ लो, ये जो 24 मार्च की एंट्री है आप इस वाले बैलेंस को मैच करो, जो ये 24 मार्च की एंट्री है ये वाली एंट्री आप मैच करोगे बैलेंस शीट डेट से। सर क्या मतलब? हाँ जी, अगर 31 मार्च के बाद कोई एंट्री हुई है, चाहे वो एंट्री डेबिट की हो चाहे वो क्रेडिट की हो, उसे मैच नहीं करोगे बैलेंस शीट डेट से। क्योंकि अगर वो एंट्री क्रेडिट की हुई है तो इसका मतलब वो मार्च के बाद पैसा डला है। तो आप हमेशा जब भी कैश लेजर मैच करोगे तो 31 मार्च तक जो लास्ट एंट्री हुई, जैसे कि हमारी 24 मार्च को हमने एंट्री करी, हमने इसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट करा है, हमने अमाउंट डिपॉजिट करा है तो हमारा बैलेंस 20,414 आया है, तो हम इसी अमाउंट को मैच करेंगे। कई लोग क्या गलती करते हैं, मार्च की रिटर्न की जो एंट्री होती है उसे फाइल करने के बाद तब उस एंट्री को मैच करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि भाई आप ये समझो, मार्च की एंट्री जो आपने करी वो हुई तो कब, वो क्रेडिट की एंट्री कब हुई, जब आपने अप्रैल में पे करा, और डेबिट की एंट्री कब हुई, जब आपने 3B फाइल करी। तो कभी भी आप मार्च के बाद वाली एंट्री को मार्च के डेटा से मैच नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो भी आप एंट्री मैच करते हो वो कौन सी तारीख की एंट्री मैच होनी चाहिए, 31 मार्च से पहले की कैश लेजर के अंदर। और क्या होगा कि जो कैश लेजर का बैलेंस होगा, हो सकता है तुम्हारी बैलेंस शीट में टोटल आ रहा हो 20,414। जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूं, हमारा डेटा खुला ही हुआ है, ठीक है, हमारा डेटा खुला ही हुआ है, तो मैं आपको 20,414 का डेटा दिखाता हूँ कि भाई वहां पे कैश लेजर में 20,414 आ रहा है, हमारे यहाँ कितना आ रहा है। तो जब हम फाइनल बैलेंस पे गए, बैलेंस शीट पे गए, तो यहाँ पर हमने कैश लेजर देखा, तो यहाँ पर भी हमारा कैश लेजर में कितना बैलेंस आ रहा है, 20,414। तो यही बैलेंस हमारा मैच होना चाहिए। और अब ये 20,414 के अंदर यहाँ पर बैलेंस गड़बड़ आ रहा है, डेबिट साइड में कुछ आ रहा है, क्रेडिट साइड में कुछ आ रहा है, डेबिट साइड में कुछ है और क्रेडिट साइड में कुछ है। तो ये डेटा, ये वाला जो डेटा है, ये इससे मैच होना चाहिए जो हम यहाँ पर इंडिविजुअली देख रहे हैं। समझ आ गई ये वाली बात या नहीं, बोलो, ये वाली बात क्लियर हो गई, कैश लेजर कैसे मैच करेंगे ये क्लियर है, फटाफट से बोलो कि कैश लेजर कैसे मैच करेंगे ये क्लियर है, कैश लेजर में किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर कैश लेजर में अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, जब आपको कैश लेजर में कोई दिक्कत नहीं है, अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट लेजर को कैसे मैच किया जाए। अब जब भी हम क्रेडिट लेजर को मैच करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम क्रेडिट लेजर को मैच करते हैं, ये वाला पार्ट मैंने जीएसटी वाले बैच में कराया तो नहीं ना ये सारी चीजें, कभी डबल डबल कर रहे हो तुम, जीएसटी वाले में तो नहीं कराया था ना ये मैंने, मुझे लग रहा है मैंने कहीं कराया था। अच्छा, जीएसटी में नहीं कराया था, उन्हें कराया होगा सीए क्लब इंडिया वालों को या इनकम टैक्स बैच में, तुम्हें नहीं कराया। हाँ चलो, अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जब भी मैच करोगे तो आपको क्या करना है, जनवरी से लेकर अप्रैल। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हो, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश जो क्रेडिट लेजर है वो 31 दिसंबर का मैच करोगे। जो 31 दिसंबर की आपकी रिटर्न फाइल हुई, लेट सपोज 17 जनवरी को, तो आप यहां पर 17 जनवरी का ही मैच करोगे, उसके बाद का मैच नहीं करोगे। सर क्या मतलब? हाँ जी बिल्कुल सही मतलब, क्योंकि अगर आप क्वार्टरली फाइलर हो तो तुमने दिसंबर की रिटर्न फाइल कर दी, जनवरी में तुम्हारा काम खत्म। अब जो जनवरी फरवरी मार्च की रिटर्न है वो आप अप्रैल में फाइल कर रहे हो, और अगर आप अप्रैल में फाइल करके उस क्रेडिट लेजर के अमाउंट को
अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हो कि आईटीसी इन क्रेडिट लेजर एज ऑन 31 मार्च, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आज आप 3B फाइल करते हो, मान लो तुम्हारा जनवरी फरवरी मार्च में कोई लाइबिलिटी नहीं और तुमने सिर्फ आईटीसी क्लेम कराए 10 लाख रुपए का, और आपने बिजी के अंदर भी आईटीसी क्लेम कर लिया और बैलेंस शीट में भी दिखा दिया आईटीसी इन क्रेडिट लेजर, लेकिन वो क्रेडिट लेजर में 31 मार्च को नहीं आया, वो क्रेडिट लेजर में आईटीसी कब आया? 24 अप्रैल। तो उस वाले आईटीसी को आप क्रेडिट लेजर की हेडिंग में ना डालें, वो आप डालें कि आईटीसी विल बी क्लेम्ड, ठीक है ना, या आईटीसी क्लेम्ड इनपुट क्रेडिट लेजर में ना डालें। अगर आप क्वार्टरली फाइलर हो तो आपको 31 दिसंबर की जो 3B फाइल हुई उसकी जो एडजस्टमेंट हुई उसका लेजर मैच करना है, ठीक है ना। तो सर मंथली रिटर्न जिसका फाइल होता है उसका क्रेडिट लेजर में कहां तक चेक करेंगे फिर? फरवरी तक, ठीक है ना, उसका कहां तक मैच करें? फरवरी तक। यस सर, इनकम टैक्स की क्लास में कराया था बुक्स क्लोजिंग एंड फाइनल बैलेंस शीट में। हाँ, इनकम टैक्स में भी कराता हूँ और ये जीएसटी का भी पार्ट है तो इसलिए जीएसटी में भी कराता हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपको दोनों तरफ रिवीजन हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। तो ये क्लियर हो गया क्रेडिट लेजर कब मैच करना है कब नहीं करना? अगर ये क्लियर हो गया है तो अब हम पोर्टल की कहानी को खत्म करते हैं। पोर्टल पे अगर और कुछ पूछना है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन से रिलेटेड तो मुझसे पूछिए, अदरवाइज अब हम आगे चलते हैं। इनपुट और आउटपुट नेट ना करें, नहीं जी, इनपुट और आउटपुट को नेट ना करें। अगर आप पंकज गुप्ता जी, इनपुट और आउटपुट नेट कब हो रहा है? इनपुट और आउटपुट नेट आपका उस दिन हो रहा है जब आप 20 अप्रैल 22 अप्रैल को 3B फाइल कर रहे हैं। तो जब आपने फाइल ही नहीं करी तो 31 मार्च को इनपुट और आउटपुट नेट नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से आपको इनपुट को नेट नहीं करना चाहिए। इनपुट और आउटपुट दोनों को अलग अलग दिखाएंगे क्या सर? हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग दिखाओगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, ठीक है सर। करते तो ऐसे ही है, लेकिन सर इसमें ये डाउट है कि AS4 क्या कह रहे हो, AS4 इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट एज अकॉर्डिंग इफेक्ट देने की जरूरत नहीं होती क्या? नहीं, देखो इसमें क्या है ना कि जो आप AS4 के अनुसार कह रहे हो तो बहुत कंपनियों पे AS4 लगता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप वहां पर करो। पर सर प्रोविजन तो 31 मार्च कर रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हो लेकिन उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं बोल सकते ना आप। मेरे हिसाब से आप उसे पेबल बोलो और उसे बोलो कि वो क्लेमेबल है, ठीक है ना। 31 मार्च को तो एडजस्टमेंट एंट्री हुई नहीं ना, तो जब एडजस्टमेंट एंट्री नहीं हुई तो आप उसे अपनी बुक्स में कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हो? लेट सपोज आप सैप चला रहे हो या बैंकिंग मॉड्यूल है आपका, तो गलत करोगे ना सर। मार्च की जीएसटी अर्बन 3B फाइल करने के बाद बैलेंस मैच किया गया है, वो पास्ट की बैलेंस शीट में है तो क्या करें? मतलब अगर कर लिया है तो ठीक है, लेकिन मैं अपना सजेशन बता रहा हूँ कि मैं ऐसे नहीं करता।